बाद में जो काम होगा पहले वापिस ले पुलिस ने भी फोन किया, आप आए, बहुत धन्यवाद है आपको, आप आए। घटना क्या है? घटना मेरे सामने ऑफिस है, एक आदमी नहीं है। और सरपंच साहब नहीं है, दादागिरी कर रहे हो क्या श्रीमान जी आप? अरे कोई गैंग दादागिरी मोर्चरी में कैसे ले जा रहे हो? 6 महीने से बार बार कंप्लेन की जा रही है, इस पोल में करंट आ रहा है। एक बकरी मर गई, एक बकरी को फेंक दिया गया, एक गाय को फेंक दिया गया, कोई वहाँ पे काम नहीं आया। वो खेत में गाय बकरी लेके जा रहा था, उसको गहने से वहाँ करंट रोज स्पार्किंग होती है, नीचे होती है, ऊपर होती है, और बार बार परसों हमारे गांव का आदमी कंप्लेन की हुई है, फिर भी आज तक कोई वहाँ पे काम। एफआरटी की टीम आई हुई, वो उससे इलाज करवा रही है। वो कह रही है कि पकड़ो इसको, उस खम्भे के पास है। आज क्या बात हुई? दो दिन से आज पर जो बात हुई तू बता। मैं बता रहा हूँ खेत में जा रहे हो गाय बकरी लेके, मैं गाय भी पोल का नहीं गई, वो बन गए कोशिश कर रहे बैठे करंट आपको पड़गो हो बैठे, 10 आदमी गांव में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, बिन उठाया गाड़ी में गाले उठा। ये पूरी योजना। अब हम जैन को एन को यहाँ बुला के इसका जिम्मेवार कौन है? परसों भी हमारी कंप्लेन की है। काम करो, एफआर की टीम खड़ी वहाँ पे। हाँ ये कोई बात थोड़ी ना हुई है, ये तो दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत काम हुआ है यार। वहाँ पे एफआर की नहीं डिपार्टमेंट में कई बार वीडियो बना के भेजी जैसे काम कर। आज आगे टीम ठीक करावा भी गांव में गए। अब गेले चाल तो थोड़ा बुला लियो गला आप, और न पावर कटायो भाई साहब कोई आदमी मर जाए, बच्चा खेलने हटे, एक बकरी का करंट आ गयो, छुटकी एक मरगी एक छुटकी बकरी, और बाद में रात ने वीडियो बना के भेजो, आने कोई एक्शन को नहीं आज तक। 6 महीना में नौकरी करे भी बाद में, और आज ये बाइक आनी हो रही। अब वो हर तारो तार रोपो आगे आदमी गयो एक न तो पावर कटायो वो भाई बठिन जा रहे हो बकरी बकरी लेके बिन बुलायो, बुला के बोले पकड़े एक बार बचेड़ लागो चालू लाइन में बोलो। अरे नया भी रेडी चेंज का तो ना चक्कर काटना पड़े माने मारे जब बड़ो फ्यूज उठ जाए ना भी ट्रांसमीटर को तो माने मोलाला ने 20-30 रुपया उगा के, और एक आदमी है हमारे जो पावर को काम करे बिन देके फ्यूज गलाना पड़े। आ कंडीशन हो रही आज 2-3 साल कोई एक्शन को नहीं। और एस डी एच हॉस्पिटल में पूरा गांव भीड़ हो रहे, पुलिस दाफ्तों भी है, मतदान कहते भी गई मंत्री जी के सामने, एम डी साहब की इनको संभालो ऑफिस एफ आर टी वालों की बदमाशी नहीं, बिजली बोर्ड के इनकी जैन करेंगे। पार्टी तो हालत है, पार्टी के मायने ग्रुप के मायने एडमिन कौन है? सरवण चौधरी पी है, वो बता सिवा उनको रख लेते हैं। बच्चे बेरोजगार बेचारे कोई ना कोई काम में आ जाते हैं, और ये तो बेचारा रोजगार के लिए भी नहीं आया हुआ था, इसको तो पकड़ के लेके गए कि हाँ यार एक तार पकड़ना है, और चालू लाइन में बगैर बिजली कटवाए बगैर, और चालू लाइन में उसको तार पकड़ा दिया गया इसको ठीक कर दे, और वो करंट के चिपके मर गया। आरिक जी भी आई आप पर एक्शन लियो, एक्शन लेके कोई सस्पेंड को निलंबित ना बैक करो, और बाद में बच्चे के क्लेम की बात करो। ये बच्चा बीपीएल के परिवार का बच्चा है, 4 बहन 1 सिर पे भाई है बेचारा, ये माँ बाप अपंग है इनके, यही कमाने वाला था।
बहुत बड़ी अन्याय हुई है। मैं आता हूँ बच्चे के साथ, चलो तो गए लेकिन पीछे परिवार तो संभल मिले ना परिवार ने, तो सबसे पहले तो बैठ कर खिलाफ कार्रवाई करो और फिर बाद में कोई क्लेम की बात करूंगा। पानी नहीं है पीने के लिए, फाइल निकालो, निकालेंगे। पानी नहीं है, पेट्रोल नहीं है।